الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور محترمہ دینی بہنیں، گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی اہل علم اور علماء پر اعتماد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علم اور علماء کے فضائل کے اعتبار سے گزشتہ کل کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے بزرگوں اور محترمہ دینی بہنیں، موجودہ دور میں اسلام دشمن عناصر اور مخالف قوتوں نے اس بنیاد پر محنت کی اور ان کی ناپاک کوششوں اور جد و جہد کا حاصل یہ ہے کہ ہر سطح پر عوام الناس کا اعتماد علماء کرام پر سے اٹھا دیا جائے، ان کے دلوں میں علماء کی عظمت اور محبت ختم کر دی جائے تاکہ وہ علماء سے علم اور دین کی باتیں نہ سیکھ پائے، اس لیے کہ دین ہی وہ وحدت اور بنیاد فراہم کرتا ہے جو پوری امت اسلامیہ کے لیے اتحاد اور اتفاق کی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ بزرگوں، چونکہ علم اور دین کی بقا اور حفاظت حضرات علماء اور عوام الناس کے باہمی تعلق میں ہی پوشیدہ ہے، اور دین کی صحیح رہنمائی صرف علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، دینی امور میں اسلامی معاشرہ ان پر ہی اعتماد کرتا ہے، تو اسلام دشمن قوتوں نے اسلام کے خلاف گہری سازش کرتے ہوئے ان کے خلاف منفی نیگیٹو پروپیگنڈے، تہمتوں اور الزامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کا واحد مقصد عوام الناس اور علماء کرام کے درمیان دوری اور اختلاف پیدا کرنا ہے۔ جب یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دین اسلام میں کامیابی کا اصل راستہ علماء کرام اور بزرگوں سے تعلق اور قربت کو بتایا گیا ہے، جس شخص کی کسی عالم سے جتنی گہری قربت اور تعلق ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا، دین کے لیے کی جانے والی اس محنت اور مشقت میں علماء کرام کا حصہ ہر دور میں سب سے زیادہ رہا ہے، بسا اوقات دین کی بقا خطرے سے دوچار ہوئی تو ایک عالم کی حق گوئی نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی ہے۔
बुजुर्गान मोहतरम, उलमाए किराम की सोहबत में हाजिर होना और उनसे फैज हासिल करना इस्लामी तहजीब और मुआशरे की एक दरख्शा रिवायत है जो इब्तदाए इस्लाम से चली आ रही है। इमाम इबन कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख शेखुल इस्लाम इमाम इबन तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की खूबियों का तस्किरा करते हुए तस्बीत यानी बात की पुख्तगी को मालूम करना उसके बारे में इरशाद फरमाया, जब हम पर खौफ का गलबा हो जाता और अपने बारे में हमारी बदगुमानी बढ़ जाती और जमीन हम पर तंग पड़ जाती तो हम अपने शेख के पास हाजिर होते। हमारा वहां जाने का मकसद सिर्फ शेख की जियारत और उनके कलाम का सुनना होता था। उस जियारत और कलाम सुनने की बरकत से ये तमाम मुसीबतें हमसे दफा हो जाती थी। कुरान और हदीस और इन वाकयात की रोशनी में ये बात मालूम होती है कि जब भी कोई मसला दरपेश हो तो अपने उलमाए किराम की तरफ रुजू करना चाहिए। मसला दीनी हो या दुनियावी, रूहानी हो या जिस्मानी, समाजी हो या सियासी, शरई हुक्म मालूम करने और दिल के इत्मीनान के लिए अहले इल्म से रुजू करना चाहिए। कुरान करीम में इरशाद है, फसअलू अहलद्दिक्र इन कुंतुम ला तालमून, सो अगर तुम बात तुमको बात मालूम ना हो तो अहले दिक्र से पूछ लो। यहाँ अहले दिक्र से मुराद अहले इल्म है, जिसके पास कुरान का इल्म है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो लोग दीन के पक्के और सच्चे हैं उनके साथ रहो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिन लोगों के पास बैठते हैं उनमें सबसे अच्छा कौन शख्स है कि उसी के पास बैठा करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स उसके पास बैठना सबसे अच्छा है जिसका देखना तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे और जिसका बोलना तुम्हारे इल्म दीन में तरक्की दे और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, ए बेटे तू उलमा के पास बैठने को अपने दिन में लाजिम रखना और अहले हिकमत की बातों को सुनते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला मुर्दा दिल को नूरे हिकमत से इस तरह जिंदा कर देते हैं जैसे मुर्दा जमीन को मूसलाधार पानी से जिंदा कर देते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, इन तमाम अहादीस मुबारका से मालूम हुआ कि अच्छी सोहबत इख्तियार करना एक पसंदीदा अमल है। अच्छी सोहबत इख्तियार करने में बेशुमार फायदे हैं। अहदीस में सराहत के साथ उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, इसलिए कि उम्मते मुस्लिमा के सबसे बड़े खैरख्वाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और उनके हर फरमान में उम्मत का फायदा है। लिहाजा उलमा की सोहबत कुर्बत और उनके साथ ताल्लुक में दीनी और दुनियावी दोनों किस्म के फायदे हैं। बुजुर्गाने मोहतरम, लेकिन आज अजीब हाल है, आजकल उलमाए किराम के खिलाफ प्रोपेगंडे और उन्हें बदनाम करते फिरना एक फैशन बन गया है। दरअसल ये बेदीनों और दीन दुश्मन अनासिर का तर्ज अमल है, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि जब तक उलमाए किराम को बदनाम नहीं करेंगे उस वक्त तक
हम मुस्लिम कौम को गुमराह नहीं कर सकते। जब हम उलमाए किराम से इस कौम का रिश्ता तोड़ देंगे तो फिर ये लोग हमारे रहम व करम पर होंगे, हम जिस तरफ चाहेंगे उन्हें गुमराह करते फिरेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक दीन की तशरी और मतालिब बयान करते हुए उन लोगों को गुमराह करेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, उलमाए किराम पर बहुत से एतराज किए जाते हैं, उनमें से एक एतराज ये है, बाज हजरात ये एतराज करते हैं कि उलमाए किराम में भी खराबियां पैदा हो चुकी है, इसलिए उनसे ताल्लुक कायम नहीं रखना चाहिए। ये एतराज ऐसा नहीं कि इस वजह को बुनियाद बनाकर उलमाए किराम से ताल्लुक ही खत्म कर दिया जाए, बल्कि ये कता ताल्लुक तो जहरे कातिल है, इसलिए कि उलमाए किराम भी इंसान है और इंसान खता का पुतला है। उलमा कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है, जो जज्बात आपके दिल में पैदा होते हैं उनके दिल में भी पैदा होते हैं, नफ्स आपके पास भी है उनके पास भी है, शैतान आपके पीछे भी लगा हुआ है उनके पीछे भी लगा हुआ है। न वो गुनाहों से मासूम, न वो पैगंबर है, न वो फरिश्ते हैं, बल्कि इसी दुनिया के बाशिंदे हैं, जिन हालात से आप गुजरते हैं उन्हीं हालात से वो भी गुजरते हैं। तो बुजुर्गान मोहतरम, अब ये समझना कि वो गुनाहों से मासूम हैं और उनसे कोई गुनाह और गलती सरजद नहीं होगी, ये गलत है, इसलिए कि जब वो इंसान हैं तो बशरी तकाजे की बिना पर कभी उनसे भी गलती होगी, कभी वो गुनाह भी करेंगे। लिहाजा इस बुनियाद पर उलमाए किराम से फौरन अलहदा हो जाना और उनकी तरफ से बदगुमान हो जाना सही नहीं है। लेकिन फिर भी गैर अहल गैर अहले इल्म के लिए उलमा हुज्जत का दर्जा रखते हैं, अवाम उन्नास के लिए बहरहाल दीन के रहनुमा और रहबर है, अल्लाह पाक ने उन्हें इल्म दिया है, उनका एक मर्तबा है, उस मर्तबे की वजह से वो काबिल एहतराम है। बुजुर्गों, हमारी हिफाजत, दीन में तरक्की और सही मंजिल तक रसाई हजराते उलमा से हुस्ने जन और उनके साथ एहतराम और मोहब्बत वाले ताल्लुक में ही है। एक और एतराज ये किया जाता है कि इस वक्त उलमाए सालिहीन खत्म हो चुके हैं, उनका वजूद बाकी नहीं रहा, अब जो उलमा है वो सब के सब उलमाए सू ही है, ये कहना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है, क्योंकि हिफाजत दीन की खिदमत आज तक उलमा ही ने सर अंजाम दी है और ता कयामत वो इस अजीम शान जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। अब अगर ये कहा जाए कि उलमा का वजूद ही नहीं रहा तो लाजिम आएगा कि दीन का भी वजूद नहीं रहा और दीन भी दुनिया से खत्म हो चुका, क्योंकि दीन का कयाम उलमा ही के जरिए मुमकिन है, जबकि मौजूदा दौर में हर एक का इस बात पर यकीन है कि दीन का वजूद बाकी है। पर जब दीन का वजूद बाकी है तो उलमा का वजूद लाजमी है, लिहाजा ये बात तो वाजे हो गई कि दीन का मौजूद और बाकी होना उलमा के वजूद की लाजमी दलील है, और अल्लाह पाक का दीन बुरे लोगों की कोशिशों से नहीं फैला करता। बुजुर्गाने मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा की कद्र और ताजीम न करने वालों को अपनी उम्मत ही से निकाल दिया है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैस मिन उम्मती मन लम युबज्जिल कबीरना व यरहम सगीरना व यारिफ आलिमीना, वो शख्स जो हमारे बड़ों की ताजीम न करें, हमारे बच्चों पर रहम न करें और हमारे उलमा की कदर न करें, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।
एक और एतराज किया जाता है। बाज लोग ये कहते फिरते हैं कि साहब उलमा के पास जाकर हम क्या करें, वो तो असरे हाजिर और उसमें पेश आने वाले मसाइल से बिल्कुल नावाकिफ है। आज के तरक्की याफ्ता दौर के तकाजों से हम आहंग होने का शायबा तक उनमें मौजूद नहीं है। दकियान उसी ख्यालात के मालिक हैं, लिहाजा हमें उनसे रवाबित कायम करने का कोई शौक नहीं। इस एतराज के जवाब में ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि असरे हाजिर में पेश आने वाले मसाइल दो तरह के हैं। नंबर एक, जदीद मसाइल इस किस्म के हो कि उस पर शरई हुक्म लगाया जा सकता हो और उसकी कोई ना कोई मिसाल माजी में मिलती हो। ऐसी सूरत में तो ऐसे मसाइल और अहकामात का जानना वाकई जरूरत की चीज है और उनका समझना भी जरूरी है। और ऐसे जदीद मसाइल में जो शख्स वाकये की नौइयत और हैसियत को समझे बगैर फैसला कर देगा और शरई हुक्म की बुनियाद कायम करने की कोशिश करेगा, वो खतावार शुमार किया जाएगा। और दूसरी किस्म दौरे हाजिर में पेश आने वाले उन जदीद मसाइल की है जिन पर हुक्म शरई लगाने की गुंजाइश न बनती हो, इस लिहाज से कि इन अहवाल वाकयात और उनके सोचने समझने के अहकामात शरईया में कोई मिसाल मौजूद न हो। ऐसे जदीद मसाइल से जहालत किसी आलिम की इल्मियत के लिए मुजिर नहीं है, क्योंकि शरई एतबार से ये मसाइल मफरूक अनिल बहस है, यानी बहस से बिल्कुल खारिज है। खुलासा कलाम यह है, उलमाए किराम पर दौरे जदीद और उसमें पेश आने वाले मसाइल और वाकयात से नावाकिफियत का एतराज दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उलमाए किराम हर नए पेश आने वाले मसले का हल शरीयत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए निकालते हैं। इस सिलसिले में नए पेश आने वाले मसले की कोई ना कोई मिसाल या उससे किसी हद तक मिलता जुलता मसला कुतुबे फिका में या जमाने माजी में जरूर मिल जाता है। इस सूरत में इस मसले की साबिका मिसाल के तहत उस पर शरई हुक्म का इतलाक किया जाता है। बुजुर्गान मोहतरम, उलमाए किराम पर एतराजात के हवाले से शेख उल हदीस हजरत मौलाना शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमाए हक्कानी, उलमाए रुश्द, उलमाए खैर भी बशरियत से खाली नहीं होते। मासूम होना अंबिया की शान है, इसलिए उनकी लग्जिशों कोताहियों और कुसूरों की जिम्मेदारी उन्हीं पर आई है और अल्लाह ताला से उनका मामला है सजा दे या माफ फरमा दे। बल्कि हजरत शेख फरमाते हैं, बल्कि अगलब यह है कि उनकी लग्जिशें इंशाअल्लाह माफ ही हो जाएगी, इसलिए कि करीम आका अपने उस गुलाम से जो जाती कारोबार छोड़कर आका के काम में मशगूल हो जाए और हमारा तन उसी में लगा रहे अगर तसामू और दरगुजर किया करता है। फिर अल्लाह जल्ला जलालहू के बराबर तो कोई करीम हो ही नहीं सकता, लेकिन वो बतकाजाए अदल गिरफ्त भी फरमाए तो वो उनका अपना मामला है। इन उमूर की वजह से लोगों को बदगुमान करना, उलमा से नफरत दिलाना, दूर रखने की कोशिश करना लोगों के लिए बेदीनी का सबब होगा और ऐसा करने वालों के लिए वबाल अजीम है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इज्जत का एक तरीका यह भी है कि बूढ़े मुसलमान हाफिज कुरान और मुनसिफ हाकिम की इज्जत की जाए।
बुजुर्गों, एक और रिवायत में है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैस मिन उम्मती मन लम युबज्जिल कबीरना व यरहम सगीरना व यारिफ आलिमना। जो शख्स हमारे बड़ों की ताजीम न करे, हमारे बच्चों पर रहम न करे और हमारे उलमा की कदर न करे, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। नीज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलासुन ला यस्तखिफ्फु बिहिम इल्ला मुनाफिक दुश्शैबत फिल इस्लाम व दुल इल्म व इमाम मुक्सिद। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुवत वाली जुबान से इरशाद फरमाया, तीन शख्स ऐसे हैं कि उन्हें खफीफ और हल्का समझने वाला मुनाफिक ही हो सकता है। मुसलमान उन तीन को हल्का नहीं समझता। वो तीन शख्स ये है, एक बूढ़ा मुसलमान, दूसरा आलिम, तीसरा इंसाफ करने वाला हाकिम। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बुजुर्गाने मोहतरम शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद बाज औकात हंसी में फरमाया करते थे कि ये मौलवी मलामती फिरका है, यानी जब कहीं दुनिया में कोई खराबी होती है तो लोग उसको मौलवी की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। मौलवी कोई भी काम करे उसमें कोई ना कोई एतराज का पहलू जरूर निकाल लेते हैं। मौलवी अगर बेचारा गोशा नशीन है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है, काल अल्लाह और काल रसूल का दर्श दे रहा है, तो एतराज ये है कि ये मौलवी दुनिया से बेखबर है। दुनिया कहां जा रही है, उनको अपने बिस्मिल्लाह के गुंबद से निकलने की फुर्सत नहीं। अगर मौलवी बेचारा इस्लाह के लिए या किसी इज्तिमाई काम के लिए गोशे से बाहर निकल आए तो लोग एतराज करते हैं कि मौलवी साहब का तो काम था मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, और आज ये सियासत में और हुकूमत के मामलात में दखल अंदाज हो रहे हैं। अगर मौलवी बेचारा ऐसा हो कि उसके पास माली वसाइल का फुकदान हो, फकर व तंगदस्ती का शिकार हो, तो लोग एतराज करते हैं कि उन्होंने अपने तालिब इल्मों के लिए माली वसाइल का इंतजाम नहीं कर रखा है, ये मदरसे से निकलकर कहां जाएंगे, कहां से रोटी खाएंगे, कहां से गुजारा होगा। और अगर किसी मौलवी के पास पैसे ज्यादा आ गए तो कहते हैं, लीजिए ये मौलाना साहब है, ये तो लखपति करोड़पति बन गए, उनके पास तो दौलत आ गई, तो इस बेचारे मौलवी की किसी हालत में माफी नहीं, ये मौलवी मलामती फिरका है। बुजुर्गाने मोहतरम ये याद रहे, जो भी उलमाए किराम पर तान और तनकीद करते रहते हैं वो तानो तनकीद के नुकसानात भी समझे। नबी अलैहिस्सलाम ने और कुरान और सुन्नत में क्या क्या नुकसानात मिलते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तखफ बिल उलमा ज़हबत आखिरतुहु। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने अहले इल्म को खफीफ और कमतर समझा तो उसने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। हजरत मालिक इब्ने अनस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कफा बिल मरई शर्रन अल्लाह यकून सालिहा वहुवा यकऊ फिस्सालिहीन। मालिक इब्ने अनस फरमाते हैं, किसी आदमी के शरीर और बदबख्त होने के लिए ये बात काफी है, वो खुद तो नेक न हो और उलमाए किराम और नेक लोगों के बारे में जुबान दराजी करता हो और उन पर तानो तशनी करता हो।
नीजाप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, मन आदली वलियन फकद आदंतुहु बिल हर्ब, जिस शख्स ने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी इख्तियार की तो बस मेरी तरफ से उसे ऐलान जंग है। बुजुर्गो, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत का जंगी हदब बने उसकी हिफाजत और बचाव की कोई सूरत नहीं, उसके लिए हलाकत ही हलाकत है। नीज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उगदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत वाली जुबान से इरशाद फरमाया, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इल्म के सुनने वाले बनो या इल्म और उलमा से मोहब्बत रखने वाले बनो, और पांचवीं किस्म में दाखिल न होना वरना हलाक हो जाएंगे। पांचवीं किस्म से मुराद उलमा की दुश्मनी और उनसे बुग्ज रखना है। एक और रिवायत में आता है, हमलतुल कुरान औरफाउ अहलिल जन्नत यौमल कियामा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबुव्वत वाली जुबान से इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ के हामिलीन यानी हुफाज और उलमा कयामत के दिन जन्नत वालों के और जन्नतियों के चौधरी होंगे। बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी फजीलतें बयान फरमाई। नीज आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर तीन चीजों से ज्यादा किसी चीज का खौफ नहीं करता, उनमें से एक ये है कि वो इल्म वाले शख्स को देखे और उसको जाये कर दे, परवाह न करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए। नीज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अपने उलमा से बुग्ज और नफरत रखने लगेगी और बाजारों की इमारतों को बुलंद करने लगेगी और मालो दौलत के होने पर निकाह करने लगेगी, यानी निकाह में बजाय दीनदारी और तकवा के मालदार को देखा जाएगा, तो हक तआला जल्ल शानहु चार किस्म के अजाब उन पर मुसल्लत फरमा देंगे। कहत साली हो जाएगी। नंबर दो, बादशाह की तरफ से जुल्म होने लगेंगे। नंबर तीन, हुक्काम खयानत करने लगेंगे। और नंबर चार, दुश्मनों के पेदर पे हमले होंगे। बुजुर्गाने मोहतरम, अभी इन हालात में खास तौर पर हम इस हदीस पर गौर करें। मैं हदीस फिर आपको आपके सामने पेश करता हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत अपने उलमा से बुग्ज और नफरत रखने लगेगी और बाजारों की इमारतों को बुलंद करने लगेगी और मालो दौलत के होने पर निकाह करने लगेगी, यानी मेयार निकाह का दीनदारी और तकवा नहीं बल्कि मालो दौलत बनेगा, तो हक ताला जल्ल शानहु चार किस्म के अजाब मुसल्लत फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। नंबर एक, कहत साली हो जाएगी। नंबर दो, बादशाह की तरफ से जुल्म होने लगेंगे। नंबर तीन, हाकिम खयानत करने लगेंगे। और नंबर चार, दुश्मनों के पेदर पे हमले होंगे। बुजुर्गाने मोहतरम और मोहतरमा दीनी बहने, आज बहुत से लोगों ने मशगला ही बना लिया है उलमाए किराम की गीबतें करते रहने का और उनकी बदगोई करते रहने का। हाफिज इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमाए किराम के गोश्त यानी गीबत निहायत जहरीले हैं और उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों की
पर्दा दरी में अल्लाह की आदत सबको मालूम है कि जो लोग उलमा की तोहीन करते हैं अल्लाह ताला उनकी पर्दा दरी फरमाते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऐब को जाहिर करते हैं, अल्लाह उनको रुस्वा करते हैं। और जो शख्स अपनी जुबान को उलमा के बारे में ऐब जोई के लिए खुला छोड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मौत से पहले पहले उसके दिल को मुर्दा बना देते हैं। तो बुजुर्गाने मोहतरम, जरूरत है इस बात की कि हम अपने उलमा और अहले इल्म तबके की हम कदर करें। कमी हर एक में है, बेब जात अल्लाह की जात है। बुजुर्गो, आपने देखा होगा कि जब इमाम साहब की नमाज में कभी गलती जाती है और पीछे से मुक्तदी जब लुक्मा देते हैं तो वो लुक्मे में क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। अब ये सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हैं? अब ये सुभान अल्लाह की हिकमत क्या है? सुभान अल्लाह का माना होता है कि अल्लाह की जात बेऐब है, अल्लाह की जात ऐब से, ऐब और नुकसान से पाक है। इमाम साहब, ये 50-100 आदमी के दरमियान में आपकी गलती गई, 50-100 आदमी के दरमियान में आपकी भूल हुई और हमने गलती बताई, तो आपको शर्मिंदा होने की और दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमाम साहब, ऐब और कमी मुझ में भी है और ऐब और कमी आप में भी है। बेऐब ज़ात अल्लाह की ज़ात है, इसलिए इमाम की गलती की इस्लाह के लिए सुभान अल्लाह कहकर उसको मुतवज्जे किया जाता है। बुजुर्गों, जैसे बीमारी के ज़माने में डॉक्टर से दूरी, बीमारी के ज़माने में और वबाल के ज़माने में डॉक्टर से दूरी ये परेशानी और मौत का सबब बनती है, इसी तरह फितनों के ज़माने में उलमाए किराम से दूरी ये हमारी ईमान के ख़त्म करने का सबब बन सकती है। लिहाजा हम अपने उलमा की कदर करें, उलमा के साथ जुड़े हुए रहें। अगर उलमा के साथ जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? हमें सही रहबरी मिलेगी, कुरान और हदीस हम तक पहुँचेगी, कुरान और हदीस का इल्म हमें सीखने मिलेगा। और अगर हम उलमा से कट गए तो सही रहबरी हमें नहीं मिल पाएगी, कुरान और हदीस का सही इल्म हम तक नहीं आएगा, और जब सही इल्म हम तक नहीं पहुंचेगा तो फिर सही अमल हम नहीं कर सकेंगे, और जब सही अमल नहीं होगा तो फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल नहीं होगी, और जब अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होगी तो हर किस्म की परेशानियां और अल्लाह के गजब को दावत देने का जरिया बनेगा। लिहाजा हम अपने अपने उलमा की कदर करें। कमी हर एक में है, कमी हर एक में है, बेऐब ज़ात अल्लाह की ज़ात है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजीब बात इरशाद फरमाई, जब तक लोग इल्म के हुसूल के लिए अपने अकाबिर उलमा की तरफ रुजू करते रहेंगे वो भलाई और खैर पर जमे रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने इल्म को अपने से छोटे और शरारत बाज किस्म के लोगों से हासिल करना शुरू कर दिया तो वो हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। तो बुजुर्गों, हमें अपने अकाबिर और बड़े उलमा और सालिहीन से हमें अपना ताल्लुक बनाए रखना है, और उलमा की तान, उलमा के बारे में तान व तशनी की नहुसतों से अपने आप को बचाना है, वरना होगा ये कि फिर हम न जाने अल्लाह की रहमतों से, बरकतों से महरूम कर दिए जाएंगे। बड़ौदा में जब गुजरात का इज्तिमा था उस वक्त हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवलवी दामत बरकातहुम ने एक बात अजीब इरशाद फरमाई थी कि मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात फरमाई थी कि जो लोग खामखा उलमा के पीछे पड़े रहते हैं,
हजरत नानोतवी फरमाते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं कि मरने के बाद उनकी कब्र को खोलकर देख लो, उनका चेहरा किबले से फिर चुका होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने उलमा की कदर दाने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर मैं कहता हूँ कि देखिए ये जिस तरह के हालात चलते हैं, ईमान सोज हवाएं चल रही है और इस्लामी तशख्खुस को ख़त्म करने की कोशिश, फिक्रें और मेहनतें हो रही है। अब अगर उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी हिफाजत हो, हमारी नस्लों की हिफाजत हो, ईमान बचा हुआ रहे, कुरान और सुन्नत वाली जिंदगी हमें मिलती रहे, तो फिर हम अपने उलमा के साथ ताल्लुक को मजबूत करें। फिर मैं वो बात को दोहराता हूं, अहले इल्म पर एतमाद और भरोसा करना ये वक्त की अहम जरूरत है। जो इस जरूरत को पूरा करेगा, अहले इल्म पर एतमाद करेगा, उलमा की बात पर एतमाद करेगा, उनसे ताल्लुक बनाए रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नस्लों में ईमान बाकी रखेगा और जो उलमा की हिदायत पर और उलमा के इल्म पर भरोसा नहीं करेगा और अहले इल्म पर एतमाद नहीं करेगा, तो बुजुर्गों और मोहतरमा दीनी बहनें, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होने का खदशा और अंदेशा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने उलमा की कदरदानी की तौफीक अता फरमाएं। इसी तरह हमारे मदारिस इस्लामिया की भी अल्लाह ताला हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाएं। बुजुर्गों, ये लॉकडाउन के ज़माने में और ये कोरोना वायरस की वजह से अभी जहां और बहुत से लोग परेशान हैं, वहीं पर मदारिस इस्लामिया भी काफ़ी परेशानी में चल रहे हैं। मुस्तकिल मस्जिद मदरसों के निज़ाम में बड़ी दिक्कत और तकालीफ का सामना हो रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाके की मस्जिद, अपने अपने इलाके के मदरसे, उसकी कुछ फिक्र ओढ़ ले और उसके निभाव में हम ज़रूर ताउन करें। इसी तरह अल्लाह ने अगर वसत और बरकत दी है तो हम दीगर मदारिस इस्लामिया का भी हम दिल खोल कर ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को उसकी मर्जियात से मुजय्यन फरमाएं और अल्लाह ताला उसकी नामर्जियात से हमारी मुकम्मल हिफाजत फरमाएं। बुजुर्गों, रोज़ाना कोई ना कोई दुनिया से रुखसत हो रहा है। गुज़श्ता कल हमारे बड़ौदा ही में, हमारे मोहल्ले में अब्दुल गनी भाई शाह भाई वाला अल्लाह की मुलाकात को पहुँचे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मगफिरत फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। इसी तरह हमारे सूरत शहर के एक मुमताज़ आलिम दीन, आलिम रब्बानी हजरत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब नाड़ा, उनके बेटे मुसअब आज सुबह अल्लाह की मुलाकात को पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम मुसाब की अल्लाह ताला मगफिरत फरमावे, अल्लाह ताला उसकी उस बीमारी को रफ़े दर्जात का अल्लाह ताला जरिया और सबब बनावे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब और उनके तमाम घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अजर जजील और नेमल बदल अता फरमाए और रब्बे कायनात मरहूम मुसाब को अपनी कब्र में करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइंदा कल से इंशाअल्लाह इस वक्त जो 6 बजे की मजलिस होती है तो उसमें इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना खलील रांदेरी साहब का बयान होगा। मेरे 15 दिन थे, वो पूरे हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम मजलिसों को कबूल फरमाए और ये ऑनलाइन बयान का इंतज़ाम करने वाले, ये जो इस्लाही ग्रुप पूरा है, सलमान गजी वाला, शोएब टोपी वाला और मुफ्ती आदिल उस्मानी और जितने भी उनके रुफ़का है, अल्लाह ताला इन तमाम को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको इनकी इन कोशिशों का बेहतर बदला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह।
وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في اول دعائنا اللهم صل على محمد في اوسط دعائنا اللهم صل على محمد في اخر دعائنا لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك ريدا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله نستغفر الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ پچھلی زندگی سے معاف فرما صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں معاف فرما ہمارے والدین کو معاف فرما ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما ہمارے اوپر نیچے کی پیڑیوں کو معاف فرما ہمارے زندوں کو معاف فرما ہمارے مرحومین کو معاف فرما پیارے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تو ہم سے راضی ہو جا اپنوں کو ہم سے راضی کر لے تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا سہولت کا آسانی کا فضل کا درگزر کا معاملہ فرما کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما پیارے اللہ اپنی محبت معرفت و عشق عطا فرما دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ خسائل ہماری زندگیوں میں پیدا فرما اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا ہماری زبان کو پاکیزہ بنا ہمارے کان کو پاکیزہ بنا ہمارے بدن کے ہر عضو کو پاکیزہ بنا ہماری کمائی کو پاکیزہ بنا ہمارے گھر کو پاکیزہ بنا ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا ہماری موت کو پاکیزہ بنا پیارے اللہ ہمیں اپنا خصوصی تعلق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنا خصوصی تعلق عطا فرما ہمیں اپنا خصوصی تعلق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے مخصوص اور مقبول بندے بندیوں میں تو شامل فرما میرے اللہ ہمیں اپنے مخصوص اور مقبول بندے بندیوں میں شامل فرما اے اللہ شاکرین میں ہمیں شامل فرما صابرین میں ہمیں شامل فرما قانتین میں ہمیں شامل فرما اے اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الدنیا والآخرہ والے گروہ میں اللہ تو ہمیں شامل فرما اے اللہ تیرے نبی قیامت کے دن جس گروہ کی شفاعت کرنے والے ہیں اے اللہ اس گروہ میں تو ہمیں شامل فرما پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر پینا مقدر بنا اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ مقدر بنا اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ مقدر بنا اے اللہ ہمیں حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما سوء خاتمے سے حفاظت فرما پیارے اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما سوء خاتمے سے حفاظت فرما اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا سہولت کا آسانی کا فضل کا درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما صاحب اولاد کی اولاد کو وفادار و دیندار بنا اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں اور اسباب پیدا فرما اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمیں جس کے والدین ایک یا دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ تو انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ اور ان بچوں کو اپنے والدین کے فرما برداروں میں شامل فرما اے اللہ ہر وہ کام جس کو کرنے سے تیرا تعلق ملتا ہے بڑھتا ہے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہر وہ برائی جس کے نتیجے میں تجھ سے تعلق گھٹتا ہے کٹتا ہے بچ
बचते रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें बड़ों की इज्जत करने वाला बना, छोटों पर शफकत करने वाला बना, उलमा की कदरदानी करने वाला बना। ए अल्लाह हमें उलमा पर एतमाद करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अवाम और उलमा, ए अल्लाह दोनों में रब्त और जोड़ मजबूत बना। ए अल्लाह, ए अल्लाह दुश्मनों की तरफ से अवाम में से उलमा का एतमाद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ए अल्लाह उम्मत की इस्लाह फरमा, उम्मत की इस्लाह फरमा, उम्मत की इस्लाह फरमा। ए अल्लाह डॉक्टर से दूर भागने में बीमार की बीमार के ज्यादा बीमार होने का अंदेशा है, इसी तरह उलमा से दूर भागने में ए अल्लाह गैर शरई जिंदगी का ज्यादा खदशा रहता है। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह उम्मत में, उम्मत के उलमा और अवाम में जोड़ पैदा फरमा। प्यारे अल्लाह तमाम मदारिस इस्लामिया का तकफुल फरमा। ए अल्लाह ये लॉकडाउन की वजह से, ए अल्लाह मदरसे वाले भी, ए अल्लाह काफ़ी परेशान हैं, मस्जिदों के निज़ाम चलाने वाले भी काफ़ी परेशान हैं। ए अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है मेरे अल्लाह, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ए अल्लाह हर जगह के मस्जिद मदरसे का, ए अल्लाह, ए अल्लाह जो निज़ाम चल रहा है और ए अल्लाह जो वहाँ तनख्वाहों और मस्जिदों की जो जो ज़रूरियात है, ए अल्लाह गैब से पूरा करने का इंतजाम फरमा। और ए अल्लाह लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे फरमा, लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे फरमा। ए अल्लाह हमारी नमाज, रोजा, तिलावत, तरावी, सदका, खैरात और तमाम कार्य खैर को प्यारे अल्लाह कबूल फरमा। माह मुबारक की रहमतों से, बरकतों से, मगफिरत से हमें माला माल फरमा। या वासिअल मगफिरा, या वासिअल मगफिरा, या वासिअल मगफिरा, या अजीम या अजीम, अंत इलाही ला इलाहा गैरु, इग्फिर लिज़्ज़म्बल अज़ीम فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم। ए अल्लाह ये कोरोना और इस जैसी मोहलिक बीमारी से ए अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की मुकम्मल हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत को ए अल्लाह इस कोरोना से छुटकारा नसीब फरमा। ए अल्लाह और हर छोटी बड़ी बीमारियों से ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। और ए अल्लाह जितने बीमार है ए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। ए अल्लाह ये रोजाना असर बाद ए अल्लाह ये सूरत का इस्लाही बयानात ग्रुप वाले ए अल्लाह उन्होंने ये ऑनलाइन बयान का सिलसिला सुबह में, दोपहर में, असर बाद, रात में ए अल्लाह उन्होंने शुरू किया। ए अल्लाह पूरे वो इस्लाही बयानात ग्रुप, ए अल्लाह पूरे ग्रुप को कबूल फरमा। सलमान गजी वाला, शोएब टोपी वाला, मुफ्ती आदिल उस्मानी और जितने उनके रुफका है प्यारे अल्लाह तमाम को कबूल फरमा और इसका उन्हें बेहतर बदला अता फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह इन्हें इन जवानों की जवानी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हसन हुसैन जैसी इन्हें जवानी अता फरमा प्यारे अल्लाह। और इस तरह की पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग कोशिश कर रहे हैं दीनी बातें पहुँचाने की, ऑनलाइन, डायरेक्ट, ए अल्लाह तमाम कोशिश करने वाले जिसको हम जानते हो न जानते हो, ए अल्लाह हरेक को ए अल्लाह तो बेहतर बदला अता फरमा। हर एक की जाए इस तमन्ना और मकासिद को पूरा फरमा प्यारे अल्लाह। हर वो काम जिसको करने से तेरा ताल्लुक मिलता है, बढ़ता है, करते रहने की तौफीक अता फरमा। और हर वो काम जिससे, जिसको करने से तुझसे ताल्लुक घटता है, कटता है, बचते रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह में अखलाक की बुलंदी अता फरमा, कमाल ईमान अता फरमा। ए अल्लाह का, ए अल्लाह तक्वा अता फरमा, तहारत अता फरमा, तवक्कुल अता फरमा, मुनाजात की लज्जत अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा प्यारे अल्लाह, सजदों का सुरूर अता फरमा। ए अल्लाह ये हमारी ये तमाम मजलिसों को बेइंतहा कबूल फरमा, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने को, लगा रहा हूँ तेरी राह पे जमाने को। ए अल्लाह खुद मेरे लिए लगना भी आसान बना, तेरी मदद शामिल हाल फरमा। और ए अल्लाह बेहतर नताइज के जाहिर होने का जरिया बना, आइंदा जितनी मजलिसें बाकी है ए अल्लाह तो उसको भी कबूल फरमा और बेहतर नताइज के जाहिर होने का जरिया बना। प्यारे अल्लाह जब से आपने दुनिया बनाई है तब से लेकर आज तक तमाम अंबिया, उनके मुत्तबीईन, सालिहीन, सालिहात और तेरे तमाम बंदे बंदियों ने पूरे